हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली करंट अफेयर्स। आज हम देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज एनटीपीसी बिल्ड द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स। कहाँ पर एनटीपीसी ने लार्जेस्ट बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स को बिल्ड किया है, बनाया है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी ने बनाया है। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर हैज प्रहलाद सिंह पटेल लंच इंडिजीनियस फूड प्रोडक्ट्स। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ पर देसी फूड प्रोडक्ट्स को लंच किया है? मणिपुर। मणिपुर राज्य है जहाँ पर प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको लंच किया। अजीजुल्ला, तीसरा क्वेश्चन है, अजीजुल्ला फाजली हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड ऑफ विच कंट्री। जो अजीजुल्ला हैं, अजीजुल्ला फाजली, ये किस देश के एक्टिंग चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के नियुक्त किए गए हैं? आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको एक्टिंग चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम हैज बीन ओपन। किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम को खोला गया है? गोवा। गोवा राज्य है जहाँ पर अल्कोहल म्यूजियम को खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू गिव 20,000 टू डॉटर्स ऑन एडमिशन इन कॉलेज। किस राज्य सरकार ने ये अनाउंस किया है डॉटर्स को 20,000 देने के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए? उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ये अनाउंस किया है कि डॉटर्स को 20,000 मिलेंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हरुण हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इसका उत्तर है एप्पल। एप्पल जो है वो प्लेस्ड हुआ है ग्लोबली 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में। इसका उत्तर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल हैज अमित कात्री ऑन इन द अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। अमित कात्री ने कौन सा मेडल जीता है अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में? उत्तर होगा इसका सिल्वर मेडल। अमित खात्री ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज एक्वायर्ड 50% स्टेक इन SMTPL। किसने एक्वायर्ड किया है 50% हिस्सा इन SMTPL? अडानी टोटल ने एक्वायर किया है 50% हिस्सा इन SMTPL में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द थर्ड फेज ऑफ मिशन शक्ति। किस राज्य सरकार ने ये स्टार्ट किया है मिशन शक्ति का थर्ड फेज? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का थर्ड फेज
स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज रिलीज द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स फोकस्ड ऑन चिल्ड्रेन। किसने क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स फोकस ऑन चिल्ड्रेन पर रिलीज किया है? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ एक संस्था है जिसने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, टिम डेविड इज द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री टू प्ले इन द आईपीएल। टिम डेविड जो है पहला क्रिकेटर है जो आईपीएल में किस देश से आईपीएल में खेले उन्होंने। इसका उत्तर होगा सिंगापुर। टिम डेविड जो है वो सिंगापुर के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईपीएल में खेला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हु विल बी द 17th गवर्नर ऑफ मणिपुर। मणिपुर का 17th गवर्नर कौन है? इला गणेशन। इला गणेशन जो है हाल ही में मणिपुर के 17th गवर्नर के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, ओनम इज एन एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ओनम एक एनुअल एक वार्षिक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो किस देश किस राज्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा केरल। केरला में ओनम जो है वार्षिक फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं हिस्ट्री आज का। इन 1456 द प्रिंटिंग ऑफ द गटेनबर्ग बाइबल वाज कंप्लीटेड। आज के दिन 1456 में जो गटेनबर्ग बाइबल का छपाई था वो आज के दिन पूरा हुआ था। अगला, इन 1853 द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ द अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन वाज हेल्ड। 1853 में अमेरिका का पहला फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन था आज के दिन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, इन 1968 फ्रांस बिकेम द 5th थर्मोन्यूक्लियर पावर व्हेन दी एक्सप्लोडेड ए हाइड्रोजन बम इन द साउथ पैसिफिक। 1968 में फ्रांस जो है पांचवा थर्मोन्यूक्लियर पावर बन गया था जब उसने साउथ पैसिफिक में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। नेक्स्ट, इन 1989 द यूएस स्पेस प्रोब वॉयजर 2 सेंट बैक फोटोग्राफ्स ऑफ नेपच्यून। 1989 में अमेरिका का स्पेस प्रोब वॉयजर 2 नेपच्यून का फोटोग्राफ आज के दिन उसने भेजा था पहला। अगला, इन 1990 इराकी ट्रूप्स सराउंडेड फॉरेन मिशन इन कुवैत। 1990 में जो इराकी सेना थी उसने कुवैत के फॉरेन मिशन को मिशन के आसपास पूरा घेरा बना लिया, सराउंडेड कर लिया। नेक्स्ट, इन 1992 चाइना एंड साउथ कोरिया इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आज के दिन चाइना और साउथ कोरिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को शुरुआत किया था 1992 में।
करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री आज का दिन का ये है। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आगे मैं और वीडियो आगे अच्छे से बना सकूं। थैंक यू।